गाइस वेलकम बैक टू वन मोर व्लॉग व्लॉग कह सकते हो तुम इसको कह सकते हो सरप्राइज डेट तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक डिनर डेट पे बहुत टाइम के बाद अन्नू मुझे आज लेकर जा रहा है सरप्राइज़ डिनर डेट पे इवन दो इसने मुझे इनवाइट नहीं किया था बट स्टिल पता नहीं कैसे इसका एकदम से बहुत बन गया और इसने बोला कि चल मैं तुझे भी लेके ले चलता तो हूँ डिनर तो ये जो मतलब हम लोग वॉइस ओवर दे रहे हैं आप हमारे लिपसिंग से पता कर सकते हो क्योंकि हमने जो ब्लॉग बनाया वो उसकी वायर हिल गई थी माइक की जस्ट बिकॉज ऑफ़ अनू उसकी वायर उससे थोड़ी सी हिल गई थी तो इस वजह से मॉइजों दे पर देना पड़ती है थी थी थी, देखो ये मैं भी जा रहा हूँ वैसे ये कोई डिनर डेट नहीं है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ क्या डिनर डेट है मेरा प्लान बना था मेरे दोस्तों के साथ कहीं जाने का किसी एक मतलब मेरे दोस्त का एक फ्रेंड है उसने एक बहुत अच्छा कैफ़े खोला है तो उसने हमें इन्वाइट किया था तो मैंने फिर बोला कि मैं काम करता हूँ अपनी वाइफ के साथ कल आता हूँ और मेरे जो मतलब बेस्ट फ्रेंड है नितिन वो भी वहाँ पर और मामा का लड़का जो है अभी वो भी वहाँ पे आने के लिए बोल रहा था तो वो वहाँ पे चलते हैं और मतलब इसके लिए तो ये डिनर डेट ही है एक तरह से देखी जाए तो आज के लिए क्योंकि ये मैं इसको लेके जा रहा हूँ और वैसे तो ये पता नहीं कितना खाएगी खाती रहती है सारा दिन खाती रहती है अब देखते हैं वहाँ पे जाके कितना खाएगी हालांकि आप जाके एक बार इस कैफे को देख लेना चलो यार अब ज़्यादा बोर नहीं करते हैं तो लोगों को चलते हैं पहले बाहर का दिखाते हैं पूरा क्योंकि अब गाड़ी में ज़्यादा टाइम हम लोग पास नहीं करेंगे और मैं तैयारी तो ऐसी हुई थी कि सरप्राइज डिनर डेट है बट यहाँ पर बोल के उन्होंने मेरे सारे अरमान और सपने तोड़ दिए हैं तो कोई बात नहीं यार ऐसे ही चलेंगे घूम के आएंगे कुछ खा पी के आते हैं बढ़िया वैसे वैसे है, नो ऐसा कुछ नहीं है। यार है। देखो किसी डेट पे हम डिनर कर रहे है, तो डेट, क्या है, क्या पिंदा है। तो चलते भाई, अब पकाएंगे नहीं गाड़ी में सीधा वहां ही चल के मिलते हैं कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है हम दोनों में से ये भी बता सकते हो तुम अनु की शक्ल देखो कितना अपने आपको समझ रहे फाइनली आ गए पे ये देखो यहाँ खड़ी है मेरी गाड़ी ये यहाँ पे खड़ी है अभी की क्रेटा और यहाँ पे खड़ी है ब्लैक वाली नितिन की गाड़ी ऑलमोस्ट हम सब आ चुके हैं और ये है वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था भाई हेवन एंड हेल सॉरी हेल एंड हेल एंड हेवन इसका जो नाम है और यहाँ पे ये लोग बैठे हैं इनकी थीम देखो इन्होंने भाई मूढ़े रखे हैं और ना बड़ा कंफर्टेबल रहता है इन पे बैठना यहाँ आँचल बैठी हुई है ऑनर साहब बैठे हुए हैं और जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ जैसा कि आपको मैंने बताया कि वॉइस ओवर्स की चली गई थी ये भाई अभी कुछ हमने खाने के लिए मंगाया नहीं है ये देखो आचल यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही है कुछ ये कैप में जो है ओनर है भाई यहाँ के जो हमारे साथ बैठे हुए हैं मतलब बहुत ही बढ़िया नेचर भाई का फैमिली फ्रेंडली कैफे है यार ये और सबसे बड़ी बात ये डॉग फ्रेंडली भी है तो जो लोग डॉग लवर है वो अपने डॉग्स को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं काफी अच्छा स्पेस इन लोगों ने दिया है आगे पूरा वहाँ पे ओपन है अभी आपको दिखा देगा आगे जाके और इनका मैं अभी प्राइजेस देख रही थी प्राइस इतनी रीजनेबल है इतनी रीजनेबल है कि मतलब अगर आप एक बजट के अंदर आप किसी को पार्टी देने का प्लान कर रहे हो अभी मेरा बर्थडे गया उस टाइम पर आई वॉज नॉट अवेयर अदरवाइज तो मैं पक्का यहीं पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती दो तीन हजार में पार्टी कंप्लीट हो जाती नाम इतना अच्छा रखा है हेल एंड हेवन स्वर्ग और नर्क जो है वो यही है सब यही है जो लोगों ने नाम रखा है ना ये

उस हिसाब से इतना अच्छा और इतना रीज़नेबल मतलब चीज़ों का प्राइस बहुत रेयरली आपको मिलेगा क्योंकि हम लोग बहुत जाते रहते हैं कैफेज में ऐसा नहीं है पूरे क्लब कैफे हर जगह पे हम जाते रहते हैं बट यहाँ पे जो प्राइस मैंने देखा है ना और जिस तरीके का इन लोगों ने एरिया ओपन सा कैफे रखा है एकदम आराम से आप बैठो चिल करो सुट्टा पीने वाले सुट्टा भी पी सकते हैं तो जिसको जिस तरीके से इंजॉय करना है मतलब ईच एंड एवरी वे आप लोग इंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स को भी ला सकते हो फैमिली को भी ला सकते हो मस्ट विजिट है यार बेसिकली गाइज ये ना फैमिली के मतलब अपनी फैमिली को भी यहाँ पे लेके जा सकते हो क्योंकि एक तो उसके प्राइस और ये जो हेवन एंड हेल है ना हेल एंड हेवन इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये उस तरह के आइटम

और बन हो गया ये सब कुछ होम बेस्ड होता है इनका मतलब ये लोग घर में बनाते हैं तो अनहेल्दी नहीं है हाँ अनहेल्दी नहीं है और दूसरी चीज जो चिकन भी है या फ्राइज है ये सब कुछ ये लोग क्या यूज कर रहे हैं एयर फ्रायर कर रहे हैं तो बहुत ऑयली नहीं होगा ये आपका और मेन चीज क्या हो गई कि जैसे आपका बीटूट होता है कितना हेल्दी होता है वो तो इन्होंने अपने आ, पास्ता में अपने बर्गर में अपने सैंडविच में बहुत सारी चीजों में इन्होंने बीट रूट का फ्लेवर दिया है मिंट का फ्लेवर दिया है तो दैट इज टू गुड तो बहुत ही बढ़िया सा यहां पे आपको मजेदार सा एक ए, मतलब एटमोस्फेयर भी मिलता है अब टेस्ट देखो खाने का खाने के बाद बताएंगे खाना आने देते हैं उसके बाद उसका अभी देखो ये भाई भी यही बोल रहे हैं कि ये मतलब इन लोगों ने वैसे बनाया है कि एक यहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं ओपन में क्योंकि म्यूजिक भी चलता है पीछे मैं कॉपी राइटर जाएगा सर वो बंद भी किया हुआ है ठीक है म्यूजिक भी चल रहा है पीछे और इनका जो बेसिकली दो मतलब क्या चीज़ अलग करती है इनको एक तो भाई इनका है ना प्रेजेंट करने का तरीका जिस तरह से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं ना रिप्रेजेंट करते हैं इतना अच्छे से करते हैं मतलब इतना डिज़ाइन विजाइन करके सारी उस पर अब जैसे अब आप खुद देखना आ गया हालांकि मैं तो बाद में इसको एडिट कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ टेस्ट मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा है और ऐसा नहीं है कि बाहर से बंदे बुला रखे हैं ये तीन लोग हैं और जो एक शेफ़ है वो भी इनका फ्रेंड ही है फिलहाल वो बाहर से सीख के आया था कहीं से मतलब आउट ऑफ इंडिया गया था लेकिन भाई क्या अल्टीमेट टेस्ट है और लास्ट में एक ब्राउनी खाई थी हमने इन लोगों की हालांकि ब्राउनी बहुत जगह खा रखी है लेकिन भाई लास्ट में जो ब्राउनी खाई थी ना इतनी अल्टीमेट थी मतलब मुंह में जाती ही घुल गई मज़े आ गए थे उसको खाने के बाद अभी एक काम करते हैं देखते हैं हमें क्या क्या मतलब हम तो ऑलरेडी खा चुके हैं लेकिन आप लोगों को दिखाता हूं मैं कि ये हमें क्या क्या ऑफर करेंगे आप ख़ुद उसकी क्वालिटी से पता करना देखो जो कलरफुल होगा वो हेल होगा मतलब वो हेल वाला आया होगा और जो नॉर्मल कलर वाला है वो हेवन वाला बर्गर होगा इंग्लिश नहीं आती हिंदी में जरूर आना है इस जगह पे आपको खाने में दोस्तों को अपनी फैमिली को सबको लेके बना दूसरे भाई ये है यहाँ पे आ, कौन सा इटर्नल

सच में यार अच्छा लग रहा है देखने में बहुत अभी भाई ये पता अब अभी ये सबके मन में आ रहा है ब्लॉग बनाने में खाना वाना चालू कर जल्दी से यार ये नहीं 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 मिलेंगे नहीं। भाई अगर तुम लोग यहाँ विजिट करते हो तो तो गाइज ये वो वाला बर्गर है जो कि हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है हेवन मतलब कि जो स्वीट जिसमें टेस्ट आता है और दूसरा वाला हेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें थोड़ा स्पाइसी आएगा और इनका प्राइस सुन लिया ना एक का सिक्सटी नाइन रुपीज और एक का सेवेंटी नाइन इसकी शक्ल देख लो ये तुम्हें मिल जाएगा कहीं और सिक्सटी नाइन रुपीज के एक बार देख लो और इतना टेस्ट में कु तो so गाइज़ यहाँ पे ये मेरे से गलती से स्लो मोशन लग गया था मतलब यार इतना अच्छा व्लॉग था लेकिन कहीं वॉइस ओवर देनी पड़ रही है कहीं कुछ तो मतलब इतना बन नहीं पाया लेकिन आप एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हो अभी कैमरा मैंने भाई के हाथ में दिया हुआ है अभी हम सबसे फीडबैक ले रहे हैं कैसा खाना लगा आजकल के एक्सप्रेशन से आप देख सकते हो क्या कहने की कोशिश कर रही है कि मतलब टेस्ट बहुत अमेजिंग था रीजनेबल था देखो सिंपल सी बात है आज के टाइम में ना लोग रीजनेबल ही देखते हैं और टेस्ट देखते हैं दोनों चीज़ आपको मिल जाएंगी और जो उसका डिज़ाइन है ना और जो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो मैंने बताया कि भाई वो तो बहुत ही वोसम था और हम अपने साथ साथ किसी और का भी फीडबैक लेंगे लेकिन वो भी स्लो मोशन में लेना पड़ेगा उसके एक्सप्रेशन से आप पता लगा सकते हो कि वो क्या फीडबैक दे रही है अच्छा ही दे रही है ऑब्वियस सी बात है और ये लोकेशन जो है ये आपको इंदिरापुरम है मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी लोकेशन दे दूंगा आप क्लिक करके जा सकते हो जो भी नियर बाय रहता है एनसीआर के यहाँ जिसको भी आना है इंदिरापुरम साइड मतलब बहुत अच्छा है ये शिफ्ट करते हैं कैमरा अभी और नितिन के पास तो भाई इन लोगों से भी देखो ऐसा नहीं है कि कोई पेड वो नहीं है भाई हाँ वो अलग बात है अगर तुम मनुजल लोग का नाम लोगे तो मैं डिस्काउंट मिल जाएगा टेन परसेंट लेकिन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है सारे भाई वाली बात है अपनी और जिनका है ना ये ये भाई रैप भी करते हैं उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको वो भी पसंद आएगा मतलब पूरी तरीके से वीडियो बना रखे है भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से और बाकी किसी और का भी यहाँ पे ये रिव्यू लेंगे और आज कुछ बोलना चाह रही है लो जी बोल रहे मैडम सो so, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि जैसे यार इन लोगों ने मतलब इसका चीज़ों का जो मतलब भी टेस्ट कराया है इन्होंने हर एक चीज मतलब हमें टेस्ट कराई है कॉफी शेक्स मोटो हमने सब कुछ टेस्ट किया मतलब इतना अमेजिंग टेस्ट है इतना बढ़िया फ्लेवर फ्रेशनेस और सबसे बड़ी बात क्योंकि दिल्ली एन के लोग यार और का तो पता नहीं लेकिन दिल्ली एन के लोगों का जो टेस्ट है ना उन्हें टेस्ट और पैसा दो चीज़ ज़रूर देखते हैं और अब यहाँ कॉमेंट में ये मत बोलना आके कि भाई पैसे मैटर नहीं करता सिर्फ टेस्ट मैटर करता तो पैसा मैटर करता है यार लोग बोलने को कितना भी बोल दें ये सब बोलने वाली बातें होती हैं चाहे कितना भी रईस बंदा होगा वो पैसों को देखेगा एक बार को ठीक है तो हमारे जहाँ पे टेस्ट और पैसा बहुत मैटर करता है तो इसका प्राइस हाँ लोकेशन भी ऑब्वियसली लेकिन टेस्ट और पैसा अगर बढ़िया है ना प्राइस अच्छा है तो मतलब बेटे सा लाइक कहते हैं ना सोने पे सुहागा टाइप हो जाता है और यहाँ पे इन्होंने भैया ने भी बोला ऑलरेडी जिनका ये कैफे है सारे भाई तीनों बंदे बढ़िया अपना कर रहे हैं हार्डवर्क कर रहे हैं खूब मेहनत से और एक और चीज तीनों लोगों ने खुद से मतलब इस कैफे को पूरा डिजाइन किया है एक एक लाइट इनकी खुद से लगाई हुई है मतलब इट इज नॉट कि इन्होंने बंदे रखे तीन चार और उनको लगा दिया काम पे नहीं खुद से सब कुछ डिजाइनिंग किया है पूरा डेकोरेट करना सब कुछ करना पूरे एफर्ट्स के साथ और खुद साथ में सर्व कर रहे हैं लोगों से पूछ रहे हैं फीडबैक ले रहे हैं तो इट मैटर्स अ लॉट कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो उसमें आपका एक प्रेजेंटेबल होना सबसे बड़ी चीज होती है ठीक है पीछे आप लोगों को लगा दोगे वो उतना नहीं आते लोग हैं ये पे खाने आए थे इनको हम जानते नहीं है अब इनके ना आप आप से जो फीडबैक है वो आप चेक कर सकते हो कि क्या दे रहे हैं भाई मस्त प्राइस खा रहे हैं ये भी और प्राइस तो मुझे इतनी पसंद नहीं है कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके नहीं मंगवाने हूं। खाता नहीं। exactly भी मंगवाने वाली हूँ पे कोई हम लोग म्यूजिक ऐड कर देते हैं फिलहाल क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे तो एक्सप्रेशन से पता चल रहा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इट इज अमेजिंग पता चल रहा है भाई इतना तो आप लोग चेक कर सकते हो एक्सप्रेशन से इन लोगों की क्योंकि क्या बोल रहे हैं मैं नहीं पता बहुत दुख हो रहा है हां यार ये दुख, हाँ दुख हो, हो रहा है कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई थी और देखो पार्किंग की भी जगह देखो इस लड़की के पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है क्योंकि यार बैक टू बैक हम लोगों के पास भी बहुत काम होता है बहुत चीज़ें होती हैं स्पेशली हम लोग भी टाइम निकाल के गए थे उन लोगों ने भी अपना टाइम इतना दिया वीडियो के लिए तो इतने सारे लोगों ने अपना टाइम निकाला है अभी वर्किंग है नितिन अपना काम छोड़ के आया सबको अपना काम छोड़ के आए थे इस ब्लॉग के लिए बट अब ये चीज़ हो गई तो थो थो थोड़ा सा सो so हम लोग घर पर वापस आ गए और अब मैं वीडियो एडिट कर रहा था और आप जैसे जानते हो कि वॉइस ओवर दी थी लेकिन भाई लिटरेली बता रहा हूँ आप लोगों अगर वहाँ पे जाते हो ना आप लोगों को मजा आ जाएगा मतलब आप लोगों को टेस्ट भी मिलेगा उन लोगों ने बहुत मेहनत करी थी बहुत मेहनत करी थी और मैं नहीं चाहता कि भाई उनकी मेहनत ख़राब चला जाए मतलब जो मैंने व्लॉग बनाया वो मेरी मेहनत ख़राब चली जाए और ये कोई पेड़ वो नहीं था इस वो मतलब ऐसा ना जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं और हमें वो चीज़ अच्छी लगी और हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है कि यार तुम्हारा हमें अच्छा लग रहा है हम अपनी वीडियो में भी डालेंगे इसको तो मतलब मैंने अपने जितने भी फैमिली मेम्बर थे उनको भी ये शेयर किया इवन इंस्टा पे भी आचल ने भी किया था तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमें आप लोग भी जा सकते हो जो हाँ काफ़ी लोगों को रिवर्ट भी है जो लोकेशन है ना वो है आपकी इंदिरापुरम में और एग्जैक्ट लोकेशन में इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ पूरा है और वो भाई कश्मीरी पंडित है मतलब वहाँ वहाँ से वो यहाँ पे आए हैं और इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं और भाई वो रैपर भी बहुत अल्टीमेट है मतलब खुद ही गाने लिखता है वो बंदा और खुद ही गाता है इवन उसकी जो मतलब मैं लिंक डाल रहा हूँ उस वीडियो को एक बार गाना सुन लेना और जिस तरह से उसने गाने को रिप्रेजेंट किया है ना तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे अगर आप कश्मीर से हो मतलब बहुत खतरनाक है और देखो मैं तो पर्सनली इतना ज्यादा उन लोगों को नहीं जानती फर्स्ट टाइम ही कल मैं मिली थी उनसे बट मैं इतना कहना चाहूंगी यहाँ पर मैं मतलब जो कैफे के बारे में बता रही हूँ ना तुम लोग एक बार अगर जाओगे ना मैं सच बोल रही हूँ तुम्हें खुद से लगेगा जनरनली कि जो हमारे नोन बंदे हैं एक बार जरूर जाना और जो जाने वाला है वो कमेंट में लिख देना कि हाँ तुम तो का नाम ले देना कि तो उनकी तरफ से हो और मस्ट विजिट जितने मेरे रिश्तेदार भी सुन रहे हो ना मेरे भाई हो गुलर वाले <laughs> और जितने भी लोग हो जरूर जाना और नाम जरूर मैंशन करना ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके मान लो दो का बिल आता है भाई टेन परसेंट मिल जाएगा रैप करके था हाँ, का बर्गर, ठीक है सिक्सटी नाइन रुपीज का आ, इतना टेस्टी बर्गर मेरे को खिला देना कहीं से वो भी बिना ऑयल का ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ऑयल ऑयल इतना सा भी ऑयल नहीं था क्योंकि भाई

हम हाँ जाते आते रहेंगे बना रहें तब बना देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो वाला भाई वहीं पे मिलेगा बाकी मैं लोकेशन डालता हूँ गुड बाय टेक केयर लव यू गाइज अपना ध्यान रखो अपनी फैमिली का ध्यान रखो बाय